अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। और मैं आज आपसे अपनी नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, मछली का सालन। और आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ। सबसे पहले आपने ये ब्राउन प्याज लेनी है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 चम्मच लिया है खाने के। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 2 खाने की चम्मच। मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग अपना हसब ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास एक प्यारी फटा हुआ दही है। उसके अलावा मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून जो है वो मैंने नमक लिया है, हसब ज़रूरत आप यूज़ करें। कुटी मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च ली है, पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने 1/2 टीस्पून और काली मिर्च ली है मैंने 1/2 टीस्पून। इसके अलावा मैंने खड़े मसालों में 1 तेज़पात का पत्ता लिया है, थोड़ी सी कलौंजी ली है मैंने, ज़ीरा लिया है और काली मिर्च है, काली मिर्च और लौंग। इनसे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इसलिए मैंने इन्हें यूज़ किया है। आप लोगों के लिए ऑप्शनली है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। हम आएंगे फिश फ्राई करने की तरफ। सबसे पहले हम अपनी फिश को थोड़ा फ्राई करेंगे। अब हम आते हैं अपनी फिश फ्राई करने की तरफ। सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे और उसके बाद अपना फिश फ्राई करने की तरफ आएंगे। फिश को फ्राई कर लेंगे ताकि जो हल्की फुल्की इसकी एक हीक होती है, फिश की एक हमक होती है, वो निकल जाए। जी व्यूअर्स, तो हम ऑयल गरम हो चुका है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो इसके अंदर हम सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसकी हल्की सी। जी व्यूअर्स, तो हम ऑयल गरम हो चुका है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो इसके अंदर हम सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसकी हल्की सी 5-7 मिनट इसको कलर चेंज होने तक इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट, इसका कलर चेंज होने तक हम इसकी भुनाई करेंगे। हल्का गोल्डन होने पर हम इसके अंदर बाकी मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर खड़े मसाले डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ी देर से भी फ्राई करेंगे ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जी, ये हमारे खड़े मसाले जो हैं ये भुन चुके हैं और इनकी बड़ी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर ब्राउन प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और क्योंकि ये प्याज पहले से ही ब्राउन हुई हुई है तो इसके अंदर इसके साथ ही जो है आप टमाटर का पल्प डाल दीजिए और इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लीजिए, जो कि टमाटर का पानी जहाँ आपको थोड़ा सा खुश्क हो जाए और ऑयल आपको नज़र आना शुरू हो जाए, आप इसकी भुनाई कीजिए। दरमियानी आंच पे आप इसकी भुनाई कीजिए व्यूअर्स। हम इसे 2 से 3 मिनट इसे भुनेंगे ताकि टमाटर का जो पानी है वो थोड़ा खुश्क हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। ये हमारा मसाला जो है तकरीबन भुनाई के करीब है।
उसके अंदर फिटावा दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मसाला जो है वो भुनाई के करीब है। दही डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे, दही का पानी हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर मछली के सिरे ऐड करेंगे। 5 से 7 मिनट हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। मसाले की बहुत अच्छी धीमी धीमी सी खुशबू आ रही है। ये हमारी मछली जो है वो मसाले में हमने ऐड कर दी है और हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। हम इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि मछली जो है वो अलग से और उसकी ग्रेवी जो है वो आपको अलग से तैयार नज़र आने लग पड़े। बस व्यूअर्स, भुनाई इसकी जितनी अच्छी करेंगे आपका सालन उतना ही लजीज बनेगा। 5-7 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद हम जो है इसको हल्की आंच पे दम पे रखेंगे। मछली है व्यूअर्स, मछली फ्राई करते ही उसका गोश्त जो है वो गल जाता है। बस आपके इतना ऐसे दम पे रखेंगे कि आपकी मछली के अंदर ग्रेवी का जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसकी गार्निश के लिए जो है इसमें अदरक और हरी मिर्च ऐड करूँगी। हरी मिर्च आपके लिए ऑप्शनल है क्योंकि कुछ लोग स्पाइसी खाते हैं, तो मेरे घर में ज़रा स्पाइसी खाया जाता है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी हम ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, ये सालन जो है ये बिल्कुल रेडी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।